Hi guys, welcome back to another video. My name is Manvi Singh and I'm City Head and Chief Mentor of IMS Prayagraj. So this video is important for all the Snap aspirants. जो भी इस बार स्नैप लिखने वाला है दिसंबर के मंथ में, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग अबाउट द स्नैप, किस तरीके से स्नैप का पेपर होता है, सेक्शनल सेक्शन वाइज सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, व्हाट इज द की थिंग विच यू नीड टू डू, अभी से क्या कर सकते हो और अभी कैट के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए. ऑल्सो ऐसे स्टूडेंट जो कैट लिख रहे हैं एंड आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर स्नैप, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वर्सेस टू द स्टूडेंट हु इज नॉट गोइंग टू राइट कैट, वो सीधे स्नैप या नॉन कैट पे ही फोकस करने वाले हैं. सो दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होने वाली है, वो किस तरीके से चीजें करना चाहिए उनको प्लान, ये इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो वेरी क्विकली लेट्स कम टू द स्नैप ओवरव्यू पार्ट. तो स्नैप इज बेसिकली सिम्बायसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाई सिम्बायसिस फैमिली. उनके टोटल 16 कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो कि 26 अलग अलग प्रोग्राम ऑफर करते हैं. SIBM पुणे, SIMHRD, SIDDM पुणे, SIBM बैंगलोर, SIBM नागपुर, टू नेम सम ऑफ देम, दीज आर दी कॉलेजेस. ठीक है, टोटल 16 कॉलेजेस हैं. इनका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है. ठीक है, अनलाइक NMAT यू आर नॉट अलाउड टू राइट द पेपर फ्रॉम दी होम. तो आपको जैसे कैट होता है इसी तरीके से स्नैप का पेपर भी आपको सेंटर पे जाके देना है और प्रॉक्टर्ड मोड में ही देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है. 3 दिन की अटेम्प्ट आप ले सकते हो, आपको 3 अटेम्प्ट यहाँ पे अलाउड है. 10th December, 17th December एंड 22nd December इस बार की ये 3 डेट है जिस दिन वो अपना पेपर कंडक्ट करा रहे हैं. यू आर अलाउड टू राइट ऑल दी थ्री अटेम्प्ट, आप तीनों अटेम्प्ट ले सकते हो, इट्स अप टू यू. अगर आप चाहो तो आप 1 अटेम्प्ट ले सकते हो, आप 2 अटेम्प्ट ले सकते हो, आप 3 अटेम्प्ट ले सकते हो. फॉर स्कोर कंसिडरेशन दे विल कंसिडर योर बेस्ट स्कोर. बेस्ट स्कोर का मतलब लेट्स से मैंने पहले अटेम्प्ट लिया, आई स्कोर 42 नंबर, दूसरे में मेरा 47 है, तीसरे में 41 आया, तो मेरा जो बेस्ट स्कोर है वो सेकेंड अटेम्प्ट का विच इज 47, तो मेरा वही स्कोर काउंट होगा फॉर माई एडमिशन प्रोसेस. ठीक है, सो तीनों ले सकते हो. टोटल 84 सिटीज में होने वाला है. टेस्ट सिटी और टेस्ट डेट जो है वो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे वो एलोकेट कर रहे हैं. आप अभी से ही अप्लाई कर लो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट स्नैप. अगर आपने प्लान कर रखा है तो बेटर आइडिया रहेगा कि आप अभी उसको रजिस्टर कर लो, तो आपको जो प्रेफरेबल प्रेफरेंस वाइज डेट और सिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे दे अलॉट यू. एंड एक बार एडमिट कार्ड आ जाता है, एक बार वो एलोकेट कर देते हैं, देन दे डोंट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट ऑफ चेंजिंग दी स्लॉट और एनी डेट. फीस 2250 प्लस GST प्लस टैक्सेस आपका इस बार का रजिस्ट्रेशन फीस है. तो जब आप स्नैप की एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो आपको 2250 पे करना पड़ेगा फॉर स्नैप रजिस्ट्रेशन. एंड उनके कॉलेजेस अप्लाई करते हो तो उनकी एक सेपरेट फीस अमाउंट है जो आपको उसी पोर्टल पे करनी पड़ेगी. ठीक है, वेरी क्विकली कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स. रजिस्ट्रेशन जो है 20th November तक ओपन है. यू स्टिल हैव अ मंथ इन योर हैंड. आप एक महीना अभी भी टाइम आपके पास है, आप आराम से उसको रजिस्टर कर सकते हो. बट अगर आप प्रेफरेंस वाइज कुछ सिटी चाहते हो जहाँ पे आपका सेंटर पड़े तो बेटर रहेगा कि आप पहले कर लो. पेमेंट क्लोज भी उसी दिन हो रही है 23rd November को. एडमिट कार्ड 4th December को लाइव हो जाएगा. जिनका पहला स्नैप है जो कि आपका 9th को हो जाएगा लाइव, जिनका दूसरा और तीसरा स्नैप है. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है 10th December को, मैने जैसे पहले बताया 10th, 17th और 22nd, ये 3 अलग अलग डेट्स है जहाँ पे आपका इस बार का स्नैप होने वाला है. एंड 10th January इज द डेट जिस दिन आपका एडमिट आपका रिजल्ट इशू होगा. ठीक है, सो बेसिकली NMAT में क्या होता है, आपका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, बट स्नैप के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल के साथ 10th January को ही वो रिलीज करेंगे टेंटेटिवली. ठीक है, टाइम स्लॉट आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा. अभी उन्होंने टाइम स्लॉट कुछ भी नहीं मेंशन किया है. मोस्टली ये नून शिफ्ट में ही पेपर कंडक्ट कराते हैं. व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर, वो दोपहर का जो स्लॉट है 12 से 3 के बीच में, उसी समय वो पेपर कंडक्ट कराते हैं स्नैप का. बट कुछ भी चेंजेस है तो वो एडमिट कार्ड में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. ठीक, एग्जाम पैटर्न पे आते हैं. सो स्नैप इज बेसिकली अ स्पीड टेस्ट, आपको ये समझना पड़ेगा. 60 मिनट 60 क्वेश्चन, खट 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 आपको फटाफट से क्वेश्चन मिलते जाएंगे. स्नैप एक ऐसा पेपर है जो कि आपको सेक्शनल लिमिटेशन नहीं देता. मतलब आपका पेपर ओपन होता है, यू गेट 3 सेक्शन, जनरल इंग्लिश विच हैज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट,
जहाँ पे 15 क्वेश्चन होते हैं एक सेक्शन, दूसरा एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग दूसरा सेक्शन होता है विच हैज 25 क्वेश्चन, तीसरा क्वांट एंड डीआई एंड डीएस भी उसी के अंदर रहता है 20 क्वेश्चन का। तो 15 प्लस 25 प्लस 20 टोटल आपका 60 क्वेश्चन का एक ये कंपोजिशन रहता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी सेक्शन को स्विच कर सकते हो, जहां पे भी चाहो वहां से कर सकते हो। मतलब यू कैन स्टार्ट विथ मैथ्स, स्विच टू वर्बल, स्विच टू एलआर, नहीं समझ आ रहा वापस से इंग्लिश पे आ गए, वापस से मैथ्स पे चले गए, तो वो 60 मिनट तक का कोई भी सेक्शनल लिमिटेशन नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, 60 के 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन पे आपको चार ऑप्शन होंगे, कोई भी डेटा का यहाँ पे लॉजिक नहीं रहता। तीसरा पॉइंट, प्लस वन माइनस 0.25 मार्किंग स्कीम है, मतलब फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर रिवॉर्डेड विद प्लस वन एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू आर पेनलाइज विद माइनस 0.25, आपको माइनस 0.25 होगा जो भी आपका स्कोर बनता है प्लस वन और माइनस 0.25 के बाद, उसके बेसिस पे यू आर रिवॉर्डेड विद सर्टेन परसेंटाइल का स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटाइल यू विल गेट कॉल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सिम्बायसिस कॉलेजेस, आपको जो भी कॉलेज है वहाँ की कॉल मिलेगी। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर है, इस साल भी यही पैटर्न रहने वाला है, लास्ट के 3 साल से यही सेम पैटर्न रह रहा है, कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं ये लोग, मतलब लाइक कैट के अंदर या एनमैट में आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन होती है, बट इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का स्कीम नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस वन है माइनस 0.25 है, करेक्ट करोगे प्लस वन मिलेगा, गलत करोगे माइनस 0.25 मिलेगा। ठीक है, लास्ट ईयर का अगर हम ओवरव्यू देखिए, लास्ट ईयर स्नैप 22 का पेपर कैसा था, लास्ट ईयर सिमिलर पैटर्न पे पेपर था, मतलब वही सेम कंपोजिशन, 60 क्वेश्चन जिसमें कि 15, 25 और 20 का था, 15 इंग्लिश के, 25 आपका एलआर और एआर मिला के एंड 20 वाज ऑन मैथ्स। एलओडी वाइज बात करें, इंग्लिश कंपैरेटिवली इजी थी, एलआर इजी टू मीडियम थी और क्वांट के मीडियम क्वेश्चन थे। लास्ट ईयर 43 से 45 का अटेम्प्ट वाज वेरी गुड स्कोर, मतलब जिसने 43-45 अटेम्प्ट लिया था उनका एक अच्छा स्कोर बना था, मतलब व्हाट वी सॉ इन लास्ट ईयर ट्रेंड, आपका 43-45 पे 38-39 का स्कोर बन गया था एंड दोज पर्सन गॉट कॉल फ्रॉम SIBM पुणे एंड SIMHRD। ठीक है, सो ये एक लास्ट ईयर के ओवरव्यू था। वेरी क्विकली कमिंग टू द स्कोर वर्सेज परसेंटाइल वाला पार्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए या आपको फोटो क्लिक कर लेनी चाहिए। सो व्हाट वी हैव डन इज लास्ट 4-3 साल का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो समवन हुए स्कोर 40 प्लस वो 99 प्लस बन गया था लास्ट ईयर 2022 के स्लॉट में, एंड 21 की बात करें या उसके पहले की बात करें तो 44 पे और 45 पे वो गया था। To get call from SIBM Pune, 97 and above would be a good score for you to get a call. And call convert करने के लिए 98 plus का score is a good score for you to convert the call. याद रखना, getting call is not converting the final call. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको 97 पे call तो आ जाएगी but conversion के chances are very bleak. Whereas अगर आप 98.9 के आसपास चले जाते हो, मतलब हाई 98 पे लेके चले जाते हो स्कोर, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दी कॉल फ्रॉम SIBM एंड SIMHRD बोथ दी कॉलेजेस। ठीक है, सो अगर आप स्नैप के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस ब्रैकेट पे फोकस करना चाहिए, मेरे को 40 के आसपास का एक रॉ स्कोर अपने दिमाग के अंदर लेके चलना पड़ेगा। अगर 40 कर लेते हो तो 40 वुड बी अ गुड स्कोर फॉर यू टू स्कोर 99 के आसपास का परसेंटाइल एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू कन्वर्ट कॉल फ्रॉम बोथ दी कॉलेजेस SIBM एंड SIMHRD एंड ऑल दी अदर कॉलेजेस, मतलब मेन टॉप ये दो ही हैं जिनकी कट ऑफ हायर साइड पे जाती है, बाकी SIBM बैंगलोर की 94 तक जाती है, SIDTM पुणे की 90 तक जाती है, SIBM के जो और भी कैंपसेज हैं नागपुर हैदराबाद की उनकी 85 तक कॉल जाती है। ठीक है, कमिंग टू दी अनदर पार्ट सिलेबस, अब हमने एक चीज तो कवर कर लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एक ओवरव्यू ले लिया कि हाउ डज दी पेपर इज कंडक्टेड, कैसे स्ट्रेटेजी किस तरीके से उसका पेपर का कंपोजिशन होता है वो तो समझ लिया, बट आता क्या है, तो बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं इंग्लिश का, एकदम एक एक सेक्शन वाइज हम बाइफर्केट करते हैं। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में तुम्हारे पास 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ग्रामर और वोकैबलरी, कोई यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आती है। ठीक है, सो ग्रामर है, ग्रामर में भर के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास तुम्हारे पास ग्रामर के होंगे एंड बचे हुए जो 5 से 6 क्वेश्चन है वो वोकैबलरी के होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड वोकैब के क्वेश्चन। तो अगर आप स्नैप लिखने वाले हो तो स्टार्ट वर्किंग ऑन वोकैबलरी वाला पार्ट, तुम्हें वर्ड एसोसिएशन वाला पार्ट अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम आज की बात करें, आज से लेके अगर आप पहला अटेम्प्ट भी ले तो यू स्टिल हैव 40-45 डेज इन योर हैंड, सो 45 डेज में टारगेट करो, हर दिन आप
25 से 30 नए वोकैब वर्ड ऐड करोगे तो डाउन द लाइन 45 डेज 900,000 वर्ड आप वोकैब में ऐड कर चुके, वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे स्कोर करने पे। ठीक है, स्टार्ट क्रिएटिंग दैट हैबिट, अभी से शुरू करो, डोंट वेट कि मेरा कैट हो जाएगा मैं तब करूंगा, बिकॉज कैट हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे पास केवल 15 दिन बचे। 15 दिन में क्या क्या करोगे, मॉक लिखोगे, एनमैट का मॉक दोगे, कि वोकैबुलरी इंप्रूव करने पे फोकस करोगे, प्लस वोकैबुलरी पे अगर तुम काम करते हो तो तुम्हें फायदा अदर पेपर्स के लिए भी मिलेगा, यानी एनमैट में भी वोकैबुलरी आती है वहां पे भी तुम्हें हेल्प मिलेगा, स्नैप के लिए तो मिल ही रहा। ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चंस भर के होते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन भर के तुम्हारे पास ग्रामर के क्वेश्चन होने वाले। व्हाट यू कैन डू इज मॉड्यूल 5 अपना पिक करो, वहां पे ग्रामर का मॉड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रामर के क्वेश्चन, टेंस वाले क्वेश्चन, पोएम के, एरर डिटेक्शन के, मॉडर्न वर्ब्स, ये सारी चीजें पढ़ना शुरू करो। नाउ यू बी सेइंग कि सर मेरा कैट भी लगा हुआ है, अब मैं कैट के साथ कैसे मैनेज करूंगा, तो आई वुड सजेस्ट कि दिन का आधा घंटा से 40 मिनट तुम ग्रामर को दे दो और 20 से 25 मिनट तुम वोकैब को दे दो। ठीक है, तुम दिन का अगर एक घंटा भी लगा देते हो ना, और तुम यहां से लेके कैट तक अगले 30 दिन तुम ऐसा प्लान करो कि तुम हर दूसरे दिन दे रहे हो, ऑल्टरनेट डेज पे इस पे डेडिकेटेड काम करो। मतलब मैं तुमसे खाली एक घंटे के लिए टाइम मांग रहा हूँ, तुम एक घंटा 15 दिन, मतलब अगले 30 दिन है कैट को ना, तो अगले 30 दिन में 15 दिन तुम ये काम कर लो 15 घंटे के लिए, एंड वंस यू आर डन विद कैट तुम एग्रेसिवली लग जाना। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास ये तुम्हें अभी से करना चाहिए, बिकॉज ये क्या है, ये दोनों कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि टाइम मांगते हैं। ठीक, एंड प्रैक्टिस के साथ टाइम दोगे तो तुम्हारे लिए चीजें प्रिपेयर कर पाना ईजी रहेंगी और कन्वीनियंट रहेंगी। सपोज इफ यू आर समवन जो कैट लिख ही नहीं रहा, जो केवल नॉन कैट पे फोकस कर रहा है, उसको तो दिन का 2 घंटा कम से कम ग्रामर के पढ़ने के बाद प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, जितना हो सकता उतना प्रैक्टिस वाले पार्ट पे काम करो। बिकॉज होता क्या है, व्हेन यू आर व्हाइल यू आर राइटिंग दी मॉक पेपर्स या व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चन, यू विल फाइंड दैट दीज क्वेश्चन आर प्रीटी ईजी, बट एट द सेम टाइम चांसेस ऑफ गेटिंग दी क्वेश्चन रॉन्ग आर वेरी हाई, ये हमने जनरली ऑब्जर्व करा। वो क्यों होता है, क्योंकि एक्यूरेसी क्यों खराब होती है, क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। व्हाट दे जनरली डू इज दे गो एंड मग अप द थ्योरी की, अच्छा ग्रामर में ये थ्योरी काम करती है और इसके बेसिस पे मैं सॉल्व कर ले जाऊंगा, और एप्लीकेशन के समय वो गलत कर ले जाते हैं। सो प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेसी भी आएगा। ठीक है, वर्बल रीजनिंग का समझ गए तुम, 2 कंपोनेंट है ग्रामर और वोकैबुलरी, तुमको इसके अंदर काम करना है। सेकेंड सेक्शन एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास वर्बल रीजनिंग का एक कंपोनेंट है जो कि 9 से 10 क्वेश्चन को कंट्रीब्यूट करता है, एनालिटिकल रीजनिंग है जो कि 14 से 16 क्वेश्चन को कंट्रीब्यूट करता है। ये जो 9 से 10 क्वेश्चन है ना, इस पे तुमको काम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ओनली कम इन दी नॉन कैट पेपर, मतलब जैट में तुमको दिखाई देगा, तुमको स्नैप में दिखाई देगा, तुमको एनमैट में दिखाई देगा, तुमको आईएफटी में दिखाई देता था, बट आईएफटी इस साल नहीं है, तो वो है, बाकी जितने भी सीमैट और टीसैट के पेपर है वहाँ पे ये वर्बल रीजनिंग वाला कंपोनेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो अगेन अगर मैंने जैसे बताया, दिन का तुम जो 1 घंटा यहाँ लगा रहे हो और आधा घंटा वर्बल रीजनिंग पे इन्वेस्ट करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि ये देखो वर्बल रीजनिंग अगेन टाइम मांगती है, कंक्लूजन, कॉज इफेक्ट, ये स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, अगर तुम ये प्रिपेयर करते हो ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें कैट के आरसी वगैरह को करने में भी। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करता बट इनडायरेक्टली इट एक्चुअली हेल्प्स यू, बिकॉज आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो तो आपको वो वहां पे भी करेगा। बट उसको इस तरीके से मत लो कि हाँ मेरी कैट में मदद होने वाली है, तुम इस तरीके से लो बिकॉज तुम्हें नॉन कैट तो लिखना ही लिखना है। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन वर्बल रीजनिंग के ये टॉपिक्स, सिलॉग्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड एफेक्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग तुम्हारे पास, तुमने कैट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है तो जैसे अरेंजमेंट ऑब्वियसली तुम कर चुके हो। ठीक है, पजल्स काफी हद तक की हुई है। अब कैट और इसमें फर्क क्या है, कैट एक पैसेज क्रिएट करके देता है, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जब वन लाइनर है तो मतलब एलओडी इजी रहेगी और तुम्हें हर क्वेश्चन को 40 से 50 सेकेंड्स में करना पड़ रहा होगा। ठीक है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसको क्या कर सकते हो, हफ्ते में 2 दिन अपना असाइन कर लो कि मैं रो, मतलब आज से 30 डेज है तो तुम्हारे पास 4 हफ्ते हैं कैट के पहले, मैं 4 हफ्ते में हर हफ्ते में 2 दिन कोडिंग डिकोडिंग सीरीज एंड सीक्वेंसेस, मशीन इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये दो टॉपिक को पिक कर, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही ईजी होते हैं। तुम अगर 2 घंटे भी किसी एक टॉपिक पे लगाते हो तो वो एक अच्छा टाइम है फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो अगर अगले 4 हफ्ते में, मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम उस 4 हफ्ते में हर हफ्ते में तुम 2 क्लासेस 2 घंटे की अपना निकालो, स्लॉट निकालो, तो लाइक
8 आवर्स पर वीक और नेक्स्ट 32 घंटे में आपका ये सारी चीज़ें निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से तुम प्लान करो जिसमें कि तुम 8 घंटे में तुमने एक घंटा इनको दिया, एक घंटा इसको दिया और एक घंटा इस तरीके से तुम पूरे दिन को निकाल पा रहे हो। कमिंग टू दी क्वांट वाला पार्ट, क्वांट वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो कि कैट के अंदर पूरा आप कवर कर चुके हो, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इस पर तुम थोड़ा सा टाइम कंट्रीब्यूट करो, बिकॉज ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कैट के अंदर आपने अभी प्रिपेयर इतना नहीं किया है। बट फॉर क्वांट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि सेम चीज़ होती है, बस एलओडी थोड़ी सी इधर ईजियर साइड पर। तुमने अर्थमेटिक वही पढ़ी है जो तुमने कैट में पढ़ी, वही सेम अर्थमेटिक स्नैप में आने वाली है। सेम इज़ फॉर ज्योमेट्री, सेम इज़ फॉर मॉडर्न मैथमेटिक्स, नंबर्स, अलजेब्रा, डीआई, ठीक है। तो अभी तुम्हारा तुम्हें इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तुम बस क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, जैसे कैट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हारा ये चीज़ ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें अगर टेंशन लेनी है तो तुम्हें ये दो सेक्शन है जिसके लिए तुम्हारे पास टाइम कम है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फिगर आउट फॉर दीज टू सेक्शन, दिन का एक घंटा डेढ़ घंटा इंग्लिश के लिए और आधा घंटे से एक घंटा एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो दिन का ढाई घंटा निकालना यहाँ पे शुरू कर दो, हफ्ते का 8 घंटा निकालो, विच इज अ गुड टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर स्नैप। एंड इतना टाइम रहे, इतना टाइम अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया ना, आई कैन बेट ऑन यू कि तुम आराम से 99+% बन जाओगे। 40 नंबर खींचना बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो कमिंग टू दी ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए। देखो अगर मेरे को 40 लाना है तो थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। पहला, तुम अगर ऐसे बच्चे हो जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब तुम कैट के अंदर मैथ्स में बहुत अच्छा करो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन है ना, मैथ्स में तुम्हें 15 नंबर तुम्हें देके जाएगा अगर तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो। तो जो बचे हुए तुम्हारे 25 नंबर है वो तुमको इन दोनों से करने, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब 25 नंबर मैं कह रहा हूँ, तुम ये दोनों सेक्शन मिला के करने के लिए कह रहा हूँ, 40 में से तुम्हें 25 नंबर लाना है, एस बहुत ही इजी है। मतलब यू कैन इजीली गेट 10-12 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग तुमको देखे जाएगा, ये जितने टॉपिक्स है ये बहुत ईजी रहते हैं, ठीक है। तुम्हें 10 क्वेश्चन ये देखे जाएंगे, तो 15 और 10 25, रिमेनिंग 15 तुम कह रहे हो कि मैं क्या ये तीन सेक्शन से नहीं मिला के ले पाऊंगा। बहुत आसान है यार, ग्रामर, वोकैबुलरी और वर्बल रीजनिंग मिला के यू विल ईजिली गेट 12-13 क्वेश्चन और तुम आराम से 40 नंबर पर पहुँच सकते हो। अब आ जाते हैं एक ऐसा बच्चा जिसका मैथ्स तो गड़बड़ है, मतलब ये तो आप कहोगे ना सर ये तो बहुत इजी स्ट्रेटेजी आपने बना दी, मैथ्स तो जिसकी अच्छी है वो तो सब कर ही लेगा, बट जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं वो क्या करे, तो उसको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सेक्शनल कट ऑफ लाना ही लाना होता है। तो क्या करो, तुम अगले एक महीने अपनी इंग्लिश पे काम करो, तुम्हारा ये 15 में से 10 नंबर आना ही चाहिए, 10 से 12 नंबर, ये 25 में से तुम्हें 18 नंबर लाना पड़ेगा। अगर तुम ये दो सेक्शन में ला के तुम 30 नंबर ला पाओगे, देन ओनली विल बी एबल टू क्लियर दी ओवरऑल कट ऑफ, 40 नंबर तुम्हारा आराम से बन सकता है, और जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। समझ लो ना, दो अलग अलग बच्चे, एक जिसकी मैथ्स अच्छी है तो वो अपनी पूरी गेम मैथ्स पे चलाएगा, एक जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो क्या कर सकता है, ये दोनों सेक्शन मिला के 28 नंबर से 30 नंबर ला सकता है और बचे हुए 10 नंबर यहाँ से ला सकता है। अब आप कहोगे सर 10 नंबर लाना भी तो बहुत चैलेंजिंग है। नहीं है चैलेंजिंग, क्यों? क्योंकि नंबर्स, अर्थमेटिक, ये दो सेक्शन, ये दो सेक्शन को देख रहे हो, ये दोनों मिला के 10 क्वेश्चन देते हैं, एलजेब्रा, डीआई, ये तीन सेक्शन। तुम जब क्वेश्चन इनके उठा के देखोगे तुम्हें रियलाइज होगा यार बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत क्विकली होने वाले, मतलब 40-50 सेकेंड्स में तुम्हें एक एक क्वेश्चन बनता जाएगा। एलओडी वाइज ये इजियर साइड पे रहता है, बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि तुम्हें आता कुछ नहीं हो और तुम बोलो कि सर आपने तो बोला पेपर इजी है तो मैं करने आ गया, ये नहीं होना चाहिए। पेपर इजी है बट आपका फाउंडेशन भी अच्छा होना चाहिए, अगर आपका फाउंडेशन खराब है तो इजी पेपर का कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अर्थमेटिक पढ़ लो, अभी भी हमारे पास टाइम है, मतलब अगले एक महीने के अंदर अंदर टारगेट कर लो कि मैं अर्थमेटिक का आरपीवी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेजेस, यही 7 टॉपिक है, इन खत्म कर लो, तुम्हें ये 6-7 क्वेश्चन देखे जाएगा, ठीक। नंबर्स में ला लो, ये दो सेक्शन में ला लोगे तुम्हारा 10 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तुम ये 10 क्वेश्चन मैथ्स के लिए खाली काम कर लो, बाकी जो बचे हुए 30 नंबर है तुम यहाँ से उठा लो, ठीक है। अनदर थिंग विच यू नीड टू डू इज तुम्हें अभी से मॉक लगाना चाहिए। तो तुम्हारे पास क्या है, तुम अभी अगर सपोज यू आर समवन हु इज राइटिंग कैट, तो ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से लेके कैट डे तक तुम्हें 2 स्नैप के मॉक प्लान करने चाहिए, खाली 2 प्लान कर लो,
एटलीस्ट दो प्लान कर लो, मतलब अगर दो से ज्यादा प्लान कर पाते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो दो प्लान कर लो और उसमें से एक अभी लिखो, मतलब बिफोर दिस मंथ एंड, ताकि तुम्हारे लिए वो एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी हो, तुमको रियलाइज हो अच्छा यार पेपर तो बहुत इजी आता है, अब मेरे को बस कुछ नहीं करना है, मेरे को चीजों को ऑर्डर में प्लेस करना है एंड आई विल बी एबल टू स्कोर आफ्टर द कैट ऑल्सो, मेरे लिए चीजें बेहतर है, तो तुम्हारे लिए वो एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी हो जाएगी। दूसरा लिख लेना 15 के पहले, ठीक है, समझ लो एक अभी लिखना है एक 15 के पहले लिखना है, तो दोनों तुम मॉक लिख लोगे, तुम्हारे पास कैट के पहले पहले तुम्हारा दिमाग जो है उस पर्टिकुलर फेज में जा चुका होगा, उसको पता होगा, वो डरेगा नहीं, उसको डर नहीं लगे, उसको पता है यार स्नैप एक इजी पेपर है और मैंने मैनेज कर लूंगा, मैंने दो मॉक लिख रखे हैं, कैट खत्म होगा मैं फटाफट से, मान लो मेरा 10 वाला अटेम्प्ट है तो मैं 26 से लेके 10 तारीख है मेरे पास करीब 13 दिन है, मैं आराम से 5 मॉक लिखूंगा एंड आई विल बी एबल टू गेट अ गुड कलर, गुड नंबर्स विद फ्लाइंग कलर्स, ऐसा मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो दो मॉक अभी लिखो और बाकी जो बचे हुए 5 मॉक है वो तुम कैट के बाद प्लान करो, ठीक है। दो मॉक लिखने का आइडिया सीधा सा बात है, आपको आइस ब्रेकिंग हो जाएगा, आपके लिए चीजें पता चल जाएंगी। दूसरा चीज, ये एक स्पीड टेस्ट है, ठीक है, तो ये समझना तुम्हें पूरा 60 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, मतलब ऐसा प्लान करना पड़ेगा आपको कि जब पेपर खुलता है, जैसे कैट के अंदर क्या होता है, जनरली यू टेंड टू वेट फॉर सम टाइम, आप एक सेट को एक अच्छा टाइम देते हो, यू हैव दैट हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग 10-12 मिनट्स इन पर्टिकुलर DILR सेट एंड देन यू स्विच टू अनदर सेट, ठीक है, और फिर वो आपको मिलता है, बट स्नैप के अंदर ऐसा नहीं होने वाला ना, स्नैप के अंदर तो एक मिनट के अंदर आपको जाना है, तो 60 मिनट 60 क्वेश्चन ऐसा दिमाग के अंदर चलना चाहिए, तो 40-50 सेकंड्स में आपको चीज़ें करनी है, तो पूरा पेपर देखना ज़रूरी है, याद रखना, अगर पूरा पेपर नहीं देखोगे तो नंबर्स नहीं मिलेगा। और यहाँ पे तो सेक्शन स्विच कर सकते हो ना, देखो फ्लैग करो आगे बढ़ो, फ्लैग करो आगे बढ़ो, अगेन ABC स्ट्रेटेजी यूज करो, विजय सर ने लास्ट वाली वीडियो में बताया ना, सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ABC स्ट्रेटेजी, अभी करूंगा बाद में करूंगा छोड़ दूंगा, अभी करूंगा फटाफट दिखा 50 सेकंड में कर दिया, बाद में करूंगा फ्लैग कर दिया, फ्लैग करा बाद में आगे करूंगा छोड़ दूं, ध्यान रख दिया कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो मेरा टाइम बहुत खाता है, मेरे को वापस नहीं जाना क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो ABC स्ट्रेटेजी तुम्हारी यहाँ पे यूज करना तुम्हें एकदम जरूरी है, तभी यू विल बी एबल टू स्कोर 40 का बैंडविड्थ वाला जो तुम्हारा एक स्कोर है। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे ना स्नैप कैट में तो बढ़िया नंबर आ रहा है, तो स्नैप में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखना, स्नैप का जो मॉक लिखते हो वो एक डिफरेंट स्किल सेट पे चल रहा होता है, स्नैप एक डिफरेंट स्किल सेट पे चल रहा होता है, दोनों का पोटेंशियल स्कोर को सेम पैरामीटर पे मत रखना कि हाँ मेरे स्नैप कैट में आते हैं तो मेरे स्नैप में तो ऑब्वियसली आने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कैट में आते हैं बहुत अच्छा, कैट पे काम करो, अगर नहीं आ रहे हैं तो और काम करो, बट स्नैप का मॉक पेपर लिखने के बाद गिव दिस कंक्लूजन दैट मेरे स्कोर मॉक में भी अच्छे आ रहे हैं। अगर आपने स्नैप का मॉक नहीं लिखा हुआ है एंड यू आर मेड अ परसेप्शन कि कैट हो रहा अच्छा तो स्नैप भी हो जाएगा, तो बड़ी कुछ दिक्कत है, गड़बड़ हो जाएगा, समझ लो अभी से मैं अलर्ट कर दे रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, हो जाओ सचेत हो जाओ एंड बहुत टाइम है यार, आराम से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी बात कर ली हमने स्ट्रेटजी के बारे में, सेक्शनल स्ट्रेटजी भी मैंने बता दी कैसे होना चाहिए, ओवरऑल स्ट्रेटजी भी क्या होना चाहिए, ABC वाला पार्ट यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। स्पीड टेस्ट है, बार बार कह रहा हूँ, प्लान करो जितना हो सकता है, एक्यूरेसी पे काम करो एंड कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो, ठीक। चलो वेरी क्विकली कमिंग टू दी रिसोर्स पार्ट, आप सबके पास एडमिट मास्टर क्लासेस की वर्कशॉप्स आ चुकी हैं, आप वहाँ पे वीडियोज़ में देखोगे तो वहाँ पे वर्कशॉप्स स्पेसिफिकली ओरिएंटेड टू कैट नॉन कैट पेपर्स वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके जो जैसे LR के कुछ कुछ टॉपिक थे या ग्रामर के कुछ कुछ टॉपिक थे उनकी वीडियोस अवेलेबल है, वो आप रिफ़र कर सकते हो फॉर रिवाइजिंग। ऑल्सो यू हैव मॉड्यूल 5 आपके कैट के कोर्सवेयर में, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मॉड्यूल 5 में आप जाओगे तो आपको सारा कंटेंट विच इज़ नॉट विच डू नॉट कम इन दी कैट जनरली वो वहाँ वो सारा कंटेंट वहाँ पे मॉड्यूल 5 में अवेलेबल है, ठीक है। ऑल्सो यू विल बी गेटिंग 10 मॉक्स ऑन स्नैप, तो ऐसा मत करना कि 10 के 10 बर्बाद कर लेना कि अभी से ही लिख लिया, जैसा मैंने पहले बताया था दो अभी लिखो बिफोर 15 एंड रिमेनिंग जो है वो कैट के बाद लिखो, 15 के बाद कैट पे ही काम करना, 15 से लेके 26 तक केवल कैट, डोंट गो फॉर स्नैप एंड मैट का कोई मॉक वॉक लगाने मत बैठना, अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाना, केवल कैट पे फोकस करना, 26 के बाद कैट खत्म होगा फिर से आ जाएंगे हम और विजय सर, वीडियो बनाएंगे तुम्हें फिर बता देंगे कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। वेरी क्विकली कमिंग टू द लास्ट पार्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन,
दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो आप में से बहुत सारे लोग हमें पिंग करते रहते हो. पहला, कितने अटेम्प्ट रहे? देखो, एनमैट में ऐसा होता था कि आपका खाली पहले अटेम्प्ट का स्कोर लेते थे, बट यहाँ पे तो बेस्ट स्कोर लेते हैं. तो इट्स अप टू यू, आप जितना अटेम्प्ट लेना चाहते हो आप उतने लो, जैसे जिसकी श्रद्धा. देखो सीधी सी बात, अगर तुम तीनों लिख सकते हो आप तीनों लिखो, आप दो लिखना चाहते हो आप दो लिखो, आपको लगता है एक मैं सर एक लिखूंगा और एक को मैं फोड़ के आऊंगा, आप एक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेस्ट स्कोर काउंट आएगा. एक गलती मत करना कि मैं बहुत ज़्यादा हैक्टिक प्लान कर लूँ. मतलब ऐसा है कि मेरा 10 को भी स्नैप हो रहा है, 15 को एनमैट हो रहा है, 17 को स्नैप हो रहा है, 23 को स्नैप हो रहा है. तो मतलब ऐसा ना हो कि मेरे पास अगले दो हफ्ते के अंदर केवल पेपर ही पेपर लगे और मेरे पास रिवीजन के लिए या मॉक पेपर लिखने के लिए समय नहीं है. तो वो चीज़ को स्मार्टली प्लान करना. ये गलती मत करना कि नहीं सर मैं तो हैवी ड्राइवर हूँ, मैं तो बैक टू बैक पेपर लिखूंगा और मेरे लिए वही काम करता है. नहीं काम करता है भाई, हमेशा हम हर साल एक्सपीरियंस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेपर लगा लेता है वो बहुत फंस जाता है. सो बेटर आइडिया इज हर दो पेपर के बीच में एटलीस्ट 5 से 7 दिन का गैप दो, सो दैट यू गेट अ गुड टाइम टू राइट दी मॉक पेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर. केवल एनमैट का मॉक लिख लिया, केवल स्नैप का मॉक लिख लिया, ठीक है. व्हेन शुड आई टेक अगेन, उसका वही सेम अटेम्प्ट है. आपको पहला अटेम्प्ट, मतलब ये एक मिथ है कि पहला वाला इजी होता है, दूसरा डिफिकल्ट होता है, तीसरा वाला सुपर डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. तीनों ही सिमिलर एलओडी पे बनते हैं. अगर एक डिफिकल्ट है तो सब डिफिकल्ट चलते हैं. जो उनकी एलओडी का जो वॉल्यूम है वो प्लस माइनस पॉइंट पे चल रहा होता है, ऐसा बहुत मेजर चेंज नहीं आता कि पहला बहुत डिफिकल्ट आ गया दूसरा बहुत ईजी आ गया, ठीक है. तो आप कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी डेट को पिक कर सकते हो. ऑब्वियसली दूसरा लिखते हो या तीसरा लिखते हो तो तुम्हारे पास एक फ़ायदा है कि तुम्हारे पास पहले वाले का फीडबैक आ चुका होता है. बट एट द सेम टाइम इन सम केसेस व्हाट वी हैव सीन की फीडबैक भी तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज फीडबैक बहुत चला जाता है तो यू बिकम वेरी कैलकुलेटिव, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. तो पहले सबका देखो ये फ़ायदा नुकसान है. अगर पहला लिखते हो तो यू हैव फ्रेश आइडिया, आप जाते हो बढ़िया से पेपर लिख कर आते हो, नेक्स्ट वाले में जाते हो, अगर आपने सेकेंड अटेम्प्ट किया तो आपको एक फीडबैक मिल जाता है. तो इट्स अप टू यू, कोई भी अटेम्प्ट आप ले सकते हो. हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर इट अलॉन्ग साइड कैट एंड अदर टेस्ट? मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको क्लियरली बताया था कैसे कैसे प्लान करना है. कैट के पहले 2 मॉक लगाना है, कैट के बाद सारे मॉक लगाने हैं, ऐसे टॉपिक पे काम करना है जो कैट पे फ्रिक्वेंटली नहीं आते, टॉपिक लाइक ग्रामर और एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है. मैथ्स वाला टॉपिक तो एकदम सेम. लास्ट क्वेश्चन, शुड आई टेक स्नैप? बिल्कुल लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखो. SIPM पुणे, SMHRT दो सुपर लेजेंड कॉलेज हैं जो कि एवरेज प्लेसमेंट्स जो है 26 प्लस की ऑफर करते हैं एंड न्यू आईएम्स की कैटेगरी में आते हैं वो, ठीक है. एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जो HR के डोमेन में कुछ करियर क्रिएट करने वाला है, करना चाहता है, तो उसके लिए SMHRT तो मस्ट गो कॉलेज है, ठीक है. सो स्टॉप गेटिंग इनटू दिस कन्वर्जेशन कि मेरे को स्नैप लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए. बिल्कुल लिखना चाहिए. स्नैप इज वेरी, स्नैप कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. एक ईजी पेपर है, आप आराम से वहाँ पे स्कोर कर सकते हो. आराम से तो नहीं, बट हाँ, स्मार्टली यू कैन स्कोर अ गुड परसेंटाइल एंड यू कैन गेट इन टू अ प्रीमियम बी स्कूल, जहाँ से यू कैन स्टार्ट योर करियर विद 26-27 लाख की प्लेसमेंट के साथ, ठीक है. चलो, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग टू आस्क, फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिप्लाई, ठीक है. चलो, कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी लर्निंग.